और अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो समिति की घोषणा कर दी है, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया है। इसके अलावा अन्य 14 नेताओं को सदस्य नियुक्त किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मैनिफेस्टो समिति की घोषणा की गई है। आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने, 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, और उसको लेकर ओपी धनखड़ को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हरियाणा में चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोला और हरियाणा को सबसे असुरक्षित बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये कभी कुछ बोलते हैं, कहते हैं कहे तो घोषणा होगी, और कभी बोलते हैं कहा बेरोजगारी बढ़गी। अरे वही था, हम अपनी सरकार में भी देख लो, इतना रोजगार दिया, खाली कहने का कोई सारा थोड़ी लगा। हमने जितना रोजगार दिया, आप कंपैरिजन करके हरियाणा के युवाओं को बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हमारी सरकार में ये था, इनकी सरकार में ये है, उसके ऊपर तो बात नहीं करते, खाली झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके बरगड़ा रहे हैं, परंतु उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब कांग्रेस की तो आपस की लड़ाई है, आपस में वो द्वंद चल रहा है उनका कि कौन इसके हक में कितनी सीटें आएंगी, उसको लेकर के इनका द्वंद चल रहा है। इनको ये नहीं है प्रदेश के लोगों का सरोकार।